हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार में बेल्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग एग्जाम लिया जा रहा था, जो कि आज समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज है 21 फरवरी और आपका टाइपिंग एग्जाम की जो लास्ट डेट थी वो थी 21 फरवरी। तो आपका टाइपिंग एग्जाम समाप्त हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग की स्ट्रोक प्लस टाइम की मदद से अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे निकालोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइपिंग स्पीड के बारे में आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला के मदद से आप अबाउट में अपनी टाइपिंग स्पीड को निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, एक्चुअल टाइपिंग स्पीड आपकी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अबाउट में आप लोग टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हो। आई होप वो जो आपका टाइपिंग स्पीड निकलेगा वो काफ़ी आपको संतुष्ट करने वाली होगी, यानी कि 90% आपकी एक्चुअल टाइपिंग स्पीड निकल सकती है इस फार्मूले की मदद से। तो आई होप पहले से कुछ लोगों को इस फार्मूले के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब आपका टाइपिंग एग्जाम एंड हो जाता है, ठीक है, टाइपिंग एग्जाम एंड होने के बाद जो रिजल्ट शो करता था, उस रिजल्ट में आपका की स्ट्रोक, ठीक है, प्लस आपको टाइम दिखाता था, की स्ट्रोक प्लस टाइम दिखाता था। तो की स्ट्रोक और टाइम की मदद से आप कैसे निकालोगे वो हम आपको बताएंगे। तो कुछ लोग कमेंट में ये कहते थे कि मेरा 2200 की स्ट्रोक गया है, मैंने 7 मिनट में टाइपिंग की है तो मेरी स्पीड कितनी निकली। कुछ लोग कहते थे मैंने 10 मिनट में किया तो मेरी स्पीड कितनी लिखी। कुछ लोग कहते थे 2270 गया तो मेरी स्पीड कितनी लिखी। तो सबका तो मैं रिप्लाई दे नहीं सकता, फिलहाल मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का रिप्लाई दिया हूँ लेकिन सबका नहीं दे पाया हूँ। सो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये फार्मूले के बारे में बता देता हूँ, आप लोग इस फार्मूले की मदद से सभी लोग अपना अपना टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको फार्मूले के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैं फार्मूले पर आ चुका हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप बेल्ट्रॉन से छोटी से बड़ी अपडेट चाहते हो, ठीक है, बेल्ट्रॉन के बारे में मैं शुरू से स्टार्ट से ही बताते चला आ रहा हूं, तो छोटी से बड़ी अपडेट यदि आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको की स्ट्रोक शो करता है, ठीक है, आपका की स्ट्रोक दिखता है, साथ में टाइम भी दिखता है। अब ये मैक्सिमम वर्ड क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की स्ट्रोक, जो आपका टाइपिंग एंड होता है उसके बाद जो रिजल्ट में की स्ट्रोक दिखता है वो आपको यहाँ पर की स्ट्रोक आपको डालना है। मैं आपको अभी कैलकुलेटर में ले चलूँगा, कैलकुलेट करके दिखाऊँगा और एग्जांपल के साथ दिखाऊँगा। तो पहले यहाँ पर फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर की स्ट्रोक डालोगे, उसके बाद डिवाइड होगा आपका, ठीक है। डिवाइड होने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप टाइम डालोगे, कितने मिनट में आपने टाइपिंग कर रखी थी, यानी कि 10 मिनट में कर दिया था या 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया था या 7 मिनट में, जो भी वहाँ पर टाइम शो कर रहा था आप यहाँ पर टाइम डाल दोगे। उसके बाद फिर से आप डिवाइड करोगे मैक्सिमम वर्ड। ये मैक्सिमम वर्ड ये है कि जैसे कि आपका जो पैसेज आया हुआ था उस पैसेज में कौन सा सबसे बड़ा वर्ड था, या कितने, मतलब लगभग जो वर्ड थे उसमें कितने वर्ड, मतलब जो शब्द आते थे, जैसे कि एलिफेंट आया इंग्लिश में तो एलिफेंट, उस तरह से कितने लगभग शब्द आए थे कि जो मैक्सिमम वर्ड वाले हैं, मान के चलिए अधिकतर जो पैसेज में आए थे 5 आए थे। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप 5 ही रखिएगा, फिलहाल आप अपने पैसेज के अकॉर्डिंग आपको जो पैसेज में याद होगा कि कौन सा मैक्सिमम वर्ड था तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, अधिकतर 5 ही था मैक्सिमम वर्ड, आप भी 5 रख सकते हो या आप अपने पैसेज के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको निकालना है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे हो मैंने स्क्रीन शॉट लिया, यानी कि स्क्रीन शॉट मारा है, क्योंकि किसी ने मुझे व्हाट्सअप से पूछा था कि मेरा ये 19 तारीख का उनका एग्ज़ाम था, आप लोग देख पा रहे हो मैसेज मेरे पास आया है फर्स्ट शिफ्ट में, और उन्होंने कहा था कि इंग्लिश में 2292, ठीक है, 5 मिनट में, आप लोग देख पा रहे हो टाइम देख रहा पा रहे हो, 5 मिनट 50 सेकेंड इन्होंने कहा है। तो फिलहाल मैं ये 5 मिनट या इसको मैं 6 मिनट मान के चलता हूँ, ठीक है, 6 मिनट में इसका लूँगा 2292 का इंग्लिश का। उसके बाद इनके हिंदी का है 1977 की स्ट्रोक है इनका, ठीक है, और इनकी टाइमिंग 6:15 रखी गई है, इसको भी मैं 7 मिनट रख के देख लेता हूँ। अब चलिए कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, और मैं आपसे एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये एक्चुअल टाइपिंग स्पीड फार्मूला आपको निकाल कर नहीं दिखा पाएगा, ये आपको अबाउट में दिखाएगा, 90% ये टाइपिंग स्पीड आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कैलकुलेटर में और बताते हैं कैसे क्या करना है। 2292 इनका की स्ट्रोक है इंग्लिश का, और साथ में इनका जो टाइमिंग है 5:50 है, यानी कि 6 मान लेते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ कैलकुलेटर पे, और 2292 में टाइप करता हूँ, ठीक है, 2292 टाइप करूँगा, उसके बाद डिवाइड, और उनकी टाइमिंग क्या थी 5:50, तो मैं इसको 6 कर दूँगा, उसके बाद फिर डिवाइड। अब मैंने आपको मैक्सिमम वर्ड के बारे में बताया था, यहाँ पर 5 में रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो अपने पैसेज के अकॉर्डिंग, मैं 5 रख दिया, और उसके बाद इक्वल करता हूँ तो आप देख पा रहे हो उनके 76 के
लगभग इंग्लिश में इनकी स्पीड गई है, 6 मिनट टाइपिंग रखा गया है तब। अगर आपको मतलब इस फार्मूले पे डाउट होता है तो आप 6 की जगह 10 रखते हो, उसके बाद देखते हो कितनी स्पीड जाती है, ठीक है। 2292 ही रखता हूँ मैं इनका, 2292, ठीक है। उसके बाद डिवाइड और टाइमिंग यहाँ पर मैं 10 मिनट रखता हूँ, क्योंकि आपका टाइमिंग लिमिट 10 ही मिनट था। एंड उसके बाद फिर रख देता हूँ मैक्सिमम 5 वर्ड। अब 45 की स्पीड यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम 5 वर्ड मैंने रखा है तो 45 की स्पीड यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इनके चलिए हिंदी वाली हम चेक कर लेते हैं। एंड आप लोग देख पा रहे हैं इनके हिंदी का 1977 है, 6 मिनट है, इसको मैं 7 मिनट यहाँ पर कर देता हूँ, 6:15 है। आप चाहिए तो एक्चुअल टाइम भी रख सकते हो, मैं 7 मिनट पर देखता हूँ और 1977 का कितना निकल कर आ रहा है। और मैं फिर से कैलकुलेटर पर आ रहा हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ, एंड 1977 था, ठीक है। 1977 डिवाइड, इनको मैं 7 मिनट टाइमिंग रखता हूँ, 6:15 था, फिलहाल 7 रख लेता हूँ। और उसके बाद फिर से डिवाइड करता हूँ, एंड मैक्सिमम वर्ड यहाँ पर भी मैं 5 ही रखता हूँ, ठीक है, 5 हिंदी का भी 5 ही रखता हूँ। और टोटल आप देख पा रहे हो 56 की स्पीड इनकी गई है। अब मैक्सिमम वर्ड अगर आप और अधिक रखना चाहते हो, जैसे कि मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं मेरे पैसेज में कुछ बड़े वर्ड आए थे, मैक्सिमम थे 5 से 7 थे, तो वो भी रख के चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। 1977, ठीक है, डिवाइड, अब यहाँ पर मैं इनकी टाइमिंग 7 रखता हूँ, डिवाइड, और फिर आपका मैक्सिमम वर्ड यहाँ पर 7 रख देता हूँ, ठीक है, 7 ही रख देता हूँ मैक्सिमम वर्ड, इक्वल रखता हूँ। या देख पा रहे हो टाइपिंग स्पीड घट गई, 40 आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड 7 कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, की स्ट्रोक, ठीक है, फार्मूले पे ले चलता हूँ एक बार फिर से। तो आप लोग देख पा रहे हो मैं एक बार फिर से फार्मूला पे आ गया हूँ, की स्ट्रोक, उसके बाद आपका टाइमिंग, मैक्सिमम वर्ड आप 5 रख दीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और उसके बाद इक्वल कर दीजिएगा, आपका टाइपिंग स्पीड निकल कर आ जाएगा। एक्चुअल नहीं रहेगा, बट आपकी 90% ये टाइपिंग स्पीड सही बताएगा ये फार्मूला। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।